अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। तो जी, ये है जी मेरा नेक्स्ट व्लॉग एंड इट्स माय बर्थडे व्लॉग। तो हम लोग थोड़ी शाम को वॉक के लिए निकले थे गांव में ही, और देन जो है वो रात को था मेरा बर्थडे, और मेरे कजन्स वगैरह जो है वो मेरे लिए सरप्राइज प्लान करे थे एंड आई वॉज सो मच एक्साइटेड अबाउट दैट। ये मेरी लाइफ का पहला बर्थडे ऐसा था कि जिसमें मुझे अनलिमिटेड विशेज और सरप्राइजेस मिले। मतलब कि लास्ट ईयर सिर्फ मेरी बेस्टी ने मुझे विश किया था और मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स ने, दैट्स इट। और यहाँ पर जी आया है मेरे लिए गिफ्ट और एक केक आया है। सरप्राइज़ तो अभी बाकी है, तो यहाँ पर अभी हम तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजे गए तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। और घर के आधे लोग जो हैं वो सो चुके थे, और यहाँ पर मुझे मिला है जी मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि मेरे कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर की तरफ से मिला है, और मेरी वो सिस्टर इन लॉ भी हैं। तो इन्होंने मुझे दिया है 14 Pro Max। कैन यू बिलीव इट, मतलब मेरी आवाम ने इस चीज़ पर यकीन ही नहीं किया कि मुझे 14 Pro Max गिफ्ट में मिला है। और मुझे सब मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि कहाँ है फ़ोन तुम्हारा, कहाँ है फ़ोन तुम्हारा, इज़ इट अ प्रैंक और नॉट। सो इट्स नॉट अ प्रैंक। तो वो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, सरप्राइज़ गिफ्ट है। और लेकिन ये भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि अभी मैं 14 प्रो मैक्स यूज़ कर सकूँ, तो अभी मैंने वो अपना मोबाइल अपने भाई के हवाले किया हुआ है, एंड वेन एवर आई वॉन्ट तो मैं उनसे दे सकती हूँ। यहाँ पर बज चुके थे रात के 12 से भी ऊपर टाइम हो चुका था, कोई 1-2 बज चुके होने हैं। और सुबह मॉर्निंग में हमने वापस निकाला था अपने घर के लिए, बिकॉज मेरी बेस्टी ने पीछे शोर मचाया हुआ था कि अगर तुम टाइम से ना आई मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है। तो मैं आउट ऑफ सिटी थी, और मुझे मेरे फादर ने भी बहुत अच्छी तरह से विश किया मुझे रात के 12 बजे, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट। और सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो यही लगी कि उन्होंने बहुत सिंपली मुझे विश किया, लेकिन वो बहुत ही प्योर वे था। बाप का प्यार बहुत कम होता है, लेकिन वो बड़ा यूनिक होता है, तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपने घर के लिए निकल आए हैं जी वापस। तो दिस इज़ फैसलाबाद सिटी, द सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स। उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या किया हुआ है, बिकॉज वो मुझे मैसेज पर बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए केक रखा था, तुम आई नहीं, अब मैं वो खा लूँगी ब्ला ब्ला। सो यहाँ आई है जी मेरी बेस्टी, और ये मेरे लिए कार्ड बना कर लेके आई है, केक लेकर आई है, और मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आई है, फ्लावर्स लेकर आई है, और ये बास्केट लेकर आई है। और मुझे इतनी खुशी हुई देख के, मतलब कोई तो है जिसकी ज़िंदगी में मैं इतनी कीमती हूँ कि उसने मेरे लिए अपना इतना टाइम वेस्ट किया है कि इस गिफ्ट पे उसने ढेरों मेहनत कर दी है। और जो दूसरी बास्केट है वो मेरी सिस्टर की तरफ से थी, इसने भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा गिफ्ट तैयार किया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग माय डे सो स्पेशल एंड मेक मी प्राउड दैट आई एम वेरी लकी टू हैव ऑल ऑफ यू गाइस इन माय लाइफ। मुझे पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपनी इस दुनिया में आके कोई चर्च का काम नहीं किया है, माना कि मैं एक बोझ हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना किया यार मेरे लिए। मतलब एक तो मैं इतने आके एवं एक एक्स्ट्रा जी चीज़ा है, फजूल जी चीज़, तो तुम मैं इन्ना विश कर रहे हो, तो इन्ना मेरे वास्ते सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, इन्ना प्रोटोकॉल दे रहे हो, मतलब कि यार अज तक कोई चीज़ का कम किया है। मैं वैसे एक गल का मैं हिसाब लाया वा भी जिते रोज़ मैं घर जलील होनी हाँ ना, मेरी बर्थडे तो पाई इन्होंने मैंने कोई जलील नहीं किया, इन्होंने मेरी कोई बिस्ती नहीं की, बड़ा इन्होंने मैंने प्रोटोकॉल दिता, बड़ी इज्जत मिली है आवाम को भी, तो घर वाले को कुछ ज़्यादा ही। तो मतलब कि मैं सोच रही थी भी जी जहाँ रोज़ ही पैदा हो जाए तो फिर तो मज़ा ना आ जाए। और जी यहाँ पर हो रही है गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। तो शी गिव मी इयररिंग्स, रिंग, कॉफ़ी मग एंड सो मच चीज़, केक्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकती। और ना कि मैं इन चीज़ों की क्वालिटी या मैं ये देखूं कि चीज़ें कितनी की आई हैं और इसने कितने पैसे खर्च किए हैं, मैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, और मैंने सिर्फ ये देखा कि वो कितने खलूस से लेके आई है। ऐसी लड़की, वो लड़की जिसने कभी किसी को एक टॉफ़ी तक पैक करके नहीं दी थी, और ये सारी चीज़ें ये खुद मेहनत के साथ पैक करके लेके आई है सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं तो उसकी लाडली दोस्त हूँ, द वन एंड ओनली फ्रेंड। तो आई लव यू सो मच आशी फॉर मेकिंग मी फीलिंग सो स्पेशल कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हूँ। क्योंकि बाकी तो किसी को लगता है कि बाकी हर किसी को यही लगता है कि मैं बड़ी फजूल सी चीज़ हूँ, कोई काम नहीं करती, ये नहीं करती, वह नहीं करती, लेकिन तुमने सबको दिखा दिया है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत
प्रीशियस वो सो दैट वाज द डे ऑफ माय बर्थ. तो आप लोगों ने इतना स्पेशल किया मुझे, इतना स्पेशल फील कराया कि मेरा दिल खुश हो गया है कि आप सब मेरी ज़िंदगी में बहुत कीमती हैं और मुझे आप सभी लोगों को संभाल के रखना है. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह कामयाबियाँ अता करे और गिफ्ट्स और विशेज़ देने की तौफीक अता फरमाए. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अल्लाह हाफिज़.